नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि टीसीएस में आ चुकी है बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस सीधी भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों टीसीएस में जो भर्ती निकाली गई है ये ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है तो सिर्फ 8 घंटे ही यहां पर आपको काम करना होगा और सप्ताह में 5 दिन ही आपको जॉब करनी है, सप्ताह में 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों 5 डेज वर्किंग आपकी रहेगी और इसके लिए जो योग्यता है मतलब क्वालिफिकेशन है वो केवल 10वीं पास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। तो दोस्तों अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों, बट अप्लाई करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इस वैकेंसी की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टीसीएस की सीधी भर्ती है इस साल 2023 की। सिर्फ 8 घंटे का काम है दोस्तों, सैलरी आपको मिल रही है 37,000 रूपये महीना, और यहां पर बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है और ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, पूरे भारत से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं। तो क्वालिफिकेशन 10वीं से 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। चलिए बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है सरकारी टुडे न्यूज़.com। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वैकेंसी की जानकारी लें और आवेदन करें। आप चाहे तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सरकारी टुडे न्यूज़.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। यहां पर जो वैकेंसी है आईटी डिपार्टमेंट से है और बीपीएस डिपार्टमेंट से है। इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको इस पर रूस मिलेगी, और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है इस पर रूस है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आवेदन करते हैं तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th से लेकर के 12th और एनी ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एज सुन एज पॉसिबल लास्ट डेट है। अब आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहां पर आपको एक लिंक दिया गया है, यहां पर आप क्लिक करके सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। और दोस्तों यहां पर आपको करना क्या होगा, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, रजिस्टर कर रखा है आपने, तो आईडी और पासवर्ड डालकर के कैप्चा कोड डालकर के आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर सीधा आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। तो यहां पर आईटी या बीपीएस जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि बीपीएस के लिए तो यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से एक नया पेज आएगा जिसमें आपका ईमेल आईडी डालना है, उसमें आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी डालकर के आपको वेरीफाइड करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, आपकी जानकारी देनी है जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, सारी जानकारी देने के बाद में फॉर्म को सबमिट करना है। और ध्यान रखिएगा अप्लाई करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, तो बिल्कुल फ्री में ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है दूसरी वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आईटी के लिए। ये थी आज की नई वैकेंसी की जानकारी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।